हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जिसका ऑनलाइन नोटिस निकल चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फुल प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं, 45 अप्रैल 2022, ठीक है। टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप नोटिस देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको नीचे स्क्रोल करेंगे, स्क्रोल करने के बाद आप जो है कि इसको अच्छे से इसको यहाँ पर चेकआउट करेंगे। जैसे चेकआउट करेंगे, आपको यहाँ पर जो कि रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन खुल जाएगा, या उसके बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। क्लिक हियर टू लॉगिन आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी देंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिर से रिट्राई फिल करेंगे। इसके बाद जो कि टेक्स्ट को यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चर कोड को, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सब कुछ यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक है टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको एक मैसेज चला गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एंड नाउ यू कैन लॉग इन फॉर फिलिंग एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक है टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद कोई एक एक्सपायर कोड यहाँ से डालेंगे, इसके बाद लॉग इन कर लेंगे। चलिए इसको लॉग इन करते हैं। जैसे ही हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करें, आप कैटेगरी चूज करें, किस कैटेगरी में आते हैं। जनरल है, ओबीसी, एसटी है, ईडब्ल्यू से जो भी कैटेगरी में आप आते हैं चूज करिए। जैसे एसटी है तो ऐसे चूज करिएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस नो यहाँ से कर सकते हैं। अगर है तो यस करेंगे, नो करेंगे। आगे बढ़े, क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस नो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो कि आर यू स्कीकिंग फॉर एज रिडक्शन, क्या आपको आई में छूट चाहिए तो यस नो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा, इंटर कैटेगरी या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट डिटेल आपको यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है कि एसटी एससी में आते हैं तो आपको यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जी इसका वजह किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट दिया है, यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट कोड एज पर यू चूज एंड एलिजिबिलिटी। सेलेक्ट पोस्ट करेंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट की आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही पोस्ट करेंगे, आपको यहाँ पर जो कि उसका नाम आ जाएगा, पोस्ट है उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल, जो भी आप मेल हैं तो मेल चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आर यू रेगुलर एम्प्लॉय फॉर CSIR, क्या आप इस फॉर्म को जो फिल कर रहे हैं इसमें आप इम्प्लॉय हैं तो यस नो ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद इसको फिल नहीं करना, इस पर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बाद जो है कि गो पर क्लिक कर लेगा, चलिए कर लेते हैं। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक है टू फिल या अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम अपना नाम देंगे, फादर का नाम देंगे, मदर नेम देंगे। इसके बाद जो कि आपको पेशन आपका क्या रहा है फादर का, वो यहाँ से दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका दिख रहा है यहाँ पर जो भी है। इसके बाद जो कि आपका जो जेंडर चूज किया तो वो यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बर्थ आप प्लेस दे देंगे, आपका जो कि जन्म स्थान कहाँ है वो यहाँ से दे देंगे। इसके बाद कॉरस्पेंडिंग एड्रेस आपका यहाँ से दे देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो या पिन कोड यहाँ से दे देंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ से देंगे। इसके बाद जो कॉरस्पेंडिंग एड्रेस और जो कि परमानेंट अगर सेम है तो इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे, वरना अलग अलग एड्रेस भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो बाय बर्थ करेंगे, अगर बाय डोमिसाइल है तो डोमिसाइल कर, माय बर्थ है तो बर्थ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट स्टेट विच किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिलीजन देंगे, किस कौन सा रिलीजन आपके हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका धर्म यहाँ से दे सकते हैं। क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो यस नो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट मिनिमम इंटेल पे और द पे लेवल, अगर है यहाँ तो यस करेंगे ना नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नो करेंगे। इसके बाद जो कि क्या डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव वर्किंग, क्या आपके रिलेटिव कोई काम करते हैं CSIR में न्यू दिल्ली, यस नो ऐसा कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आप अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ने के बाद यस नो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ से देना पड़ेगा, आधार नंबर आपको यहाँ से देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो कि इसको यस नो ऐसा करते, ये आपका 1, 2, 3 जो भी आपका ज्वाइन टाइम रिक्वायर्ड टू
बाय योरसेल्फ सेलेक्टेड, यस या नो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है कि सेव पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हम सेव पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, जो कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका होता है वो यहाँ से दे देंगे। ठीक है, आप टेंथ का दे देंगे जो कि टेंथ ट्वेल्थ आईटीआई जो भी आपने किया हुआ यहाँ से दे देंगे। इसके बाद स्ट्रीम या ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी आपका उसको बची परसेंटेज आपको यहाँ से देना पड़ेगा। इश्यू डेट आपका जो कि कब सर्टिफिकेट जारी हुआ है वहाँ से दे देंगे, रोल नंबर यहाँ से देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ से दे देंगे, इसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो कि इंटरमीडिएट का डिटेल करेंगे उसके बाद इसको यहाँ से ऐड करेंगे, इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो है कि हम अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट दे देंगे, जो भी है डिप्लोमा के तो डिप्लोमा दे देंगे, जो भी आपके यहाँ से करके ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सेव करके हम आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम देंगे, पोस्ट हेड होल्ड नेम देंगे, स्किल आप पे देंगे, आपका जो कि पेमेंट कितना होता है उसको लास्ट पे आप देंगे, इसके बाद जो कि एक्सटेंड डेट आप गिविन देंगे, आप कब आप उसको ज्वाइन किया था, कब आपको यहाँ पर छोड़ा था इसको, उसके बाद टोटल पीरियड खुद निकल जाएगा, उसके बाद जो कि नेचर अपडेट टोटल ड्यूटी आपको यहाँ से देंगे, उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि आप नेक्स्ट या स्किप को भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम स्किप पर क्लिक करते हैं, देना चाहता तो दे सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम स्किप पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह का डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन डिटेल आप देख पा रहे हैं, आर यू रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग सीएसआईआर, यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद आर यू फेवरेबली प्रॉपर चेंज या अपलोडिंग एनओसी, यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे, या एनए है तो एनए करेंगे, अगर एनए है तो एनए कर सकते हैं। इसके बाद एनी अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अगर है तो यहाँ पर दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड अबव डिटेल पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया, मैंने सब कुछ ऐसा अपलोड कर लिया है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैक जाना चाहते हैं बैक भी जा सकते हैं, वरना सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, वरना प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रीव्यू को चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ही सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप इसको अच्छे से जो कि प्रिंट आउट कर लीजिए, यहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, आशा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।